Hello students, in previous video we start our chapter number 4 pranayam and I explain you the pranayam and there are some essential rules of pranayam. कुछ जो जरूरी नियम होते हैं जिन जो हमें प्राणायाम करते समय मानने चाहिए उसके बारे में मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन किया. आज हम शुरू कर रहे हैं इसके प्राणायाम के जो बहुत सारे काइंड्स होते हैं उनमें से वो आपको प्रीवियस क्लासेस में बताए गए हैं. उनमें कुछ जो है वो यहाँ पर मेंशन किए गए हैं जिनमें फर्स्ट है उज्जयी प्राणायाम. सो फर्स्ट यू सिट ऑन एनी कंफर्टेबल पोजीशन. सबसे पहले आप किसी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठे. मेडिटेशन पोज हो वो ज़्यादा बेटर रहेगा. नाउ कॉन्ट्रैक्ट द ग्लॉटिस एंड इनहेल थ्रू बोथ नॉस्ट्रल. अपने गले को साफ करके दोनों नॉस्ट्रल से आपको इनहेल करना है और हार्ट तक एयर को लेकर जाना है. एंड परफॉर्म जलंधर बंद. जलंधर बंद करना है मीन्स यहाँ पर आपको गले पे अपनी जो श्वास है उसे रोक लेना है. आंखें आपकी बंद रहेंगी उस जितने देर तक आप कर सकते हो उतनी देर तक आपको अपनी ब्रीथ को रिटेन करना है, रोक कर रखना है. नाउ आफ्टर दैट रेज द नेक, एक्सहेल थ्रू राइट नॉस्ट्रल. उसके बाद अपनी गर्दन को ऊपर करना है और फिर राइट नॉस्ट्रल से जो ब्रीथ है उसको बाहर कर देना है. द ब्रीथ शुड नॉट गो बियॉन्ड हार्ट इन कुंभक. हार्ट के अंदर जो कुंभक होता है जो आपने प्रीवियस 6th क्लास में पढ़ा होगा कि प्राणायाम के तीन पोजीशन होते हैं पूरक, रीचक और कुंभक. तो ब्रीथ जो है वो कुंभक से आगे नहीं जाना चाहिए. इस प्राणायाम को 3 से 5 बार आप रिपीट करेंगे. इसका जो बेनिफिट होता है वो होता है इट एलिवेट्स अलाइनमेंट रिलेटेड टू थ्रोट. गले में कोई भी जो दिक्कत होती है उससे छुटकारा मिलता है. मेक्स द वॉइस स्वीट और जो आवाज़ है वो बहुत स्वीट हो जाती है. और स्टैमरिंग जो होती है आवाज़ में जो खराश की जो प्रॉब्लम होती है वो रिमूव हो जाती है. नाउ सेकेंड वी गो टू कपाल भाती प्राणायाम और शोधन क्रिया. इसे शोधन क्रिया भी कहते हैं. अब इसका मेथड है स्टूडेंट की मेडिटेशन पोज में बैठना है, कंसंट्रेट करना है, ब्रीदिंग इनहेल करनी है दोनों नॉस्ट्रल से, एक्सहेल करना है फोर्सफुली. एब्डोमिनल मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए. डू इट क्विकली एंड रिपीटेडली वाइल एक्सहेलिंग यूज अ लिटिल फोर्स. इसी प्रोसीजर को आपको रिपीट करना है, क्विकली रिपीट करना है और एक्सहेलिंग जो है वो लिटिल फोर्स के साथ होती रहनी चाहिए. नाउ बिगिन इट विथ 10 राउंड्स. 10 राउंड के साथ इसको शुरू करें. फिर धीरे धीरे 50 राउंड्स तक पहुंचे. इसमें इनहेलिंग जो है वो आपकी नॉर्मल होनी चाहिए और एक्सहेलिंग जो है वो फोर्सफुल होनी चाहिए. तो जो लोग सफर कर रहे हो हाइपरटेंशन या हार्ट डिजीज से वो किसी ट्रेंड इंस्ट्रक्टर के अंडर पे ही इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करें. थर्ड वन इज भ्रस्तिका प्राणायाम. भ्रस्तिका मींस बिलोज ऑफ अ ब्लैक स्मिथ. जैसे ब्लैक स्मिथ वो करता है हथौड़ा मारता है उसके उस वैसा उसको बोला गया है. इन दिस प्राणायाम इनहेलिंग एंड एग्जॉस्टी इज डन क्विकली लाइक अ बिलोज. तो उसके जैसे हमें इनहेल करना है इसीलिए इसका नाम भ्रस्तिका पड़ा है. नाउ मेथड इसका यह है कि आपको मेडिटेशन पोज में बैठना है, इनहेल करना है डीपली एंड एक्सहेल आउट फोर्सफुली. अपनी नोज के थ्रू एक्सहेल करना है फोर्सफुली. द ब्रीथ बी फिल्ड अप टू चेस्ट. जो ब्रीथ है वो फिल्ड होनी चाहिए आपकी चेस्ट में. एंड डू इट क्विकली एज द बिलोज वर्क्स सो दैट अ लिटिल साउंड बी हर्ड. तो इस तरह से करना है जैसे एक छोटा सा आवाज जो है वो सुनाई दे. इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन और बेनिफिट ये है स्टूडेंट कि इसको समर में प्रैक्टिस नहीं करना है और इसका इससे जो पेट में जो भी अलाइनमेंट है वो रिमूव होते हैं और डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो बेटर होता है. नेक्स्ट आता है भ्रामरी प्राणायाम. भ्रामरी प्राणायाम सिट इन मेडिटेशन आसन. मेडिटेशन आसन में बैठेंगे. प्लग द ईयर्स विद बोथ द थम्स. अपने दोनों कानों को थंब से दबाना है. रेस्टिंग द अदर 4 फिंगर्स ऑन द फेस एंड क्लोज द आईज. बाकी की जो 4 फिंगर्स हैं आपकी उनको फेस पर और आईज को क्लोज करना है. ब्रीद इन थ्रू नोज एंड एक्सहेल स्लोली मेकिंग अ हमिंग साउंड. ब्रीद करना है नाक से और एक्सहेल करना है धीरे से हमिंग साउंड निकालते हुए लाइक अ ब्लैक बी. एंड रिपीट इट 5 to 10 times. इसको 5 से 10 बार करना है. इससे क्या होगा कि आप में जो थायराइड प्रॉब्लम है, अलाइनमेंट है जो थ्रोट के वो दूर होते हैं. आपकी वॉइस अच्छी होती है, प्रोवाइड मेंटल पीस, शांति मिलती है, इम्प्रूव्स मेमोरी एंड इट इज़ गुड फॉर मेडिटेशन. ये जो आसन है वो मेडिटेशन करने के लिए सबसे बेस्ट है.
So students, here we complete our pranayama, and in next video I give you the answers of that lesson.